बारिश शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह पाक का शुक्र है, मेरे साथ एक नई ज़बरदस्त वीडियो लेके आपका दोस्त फाज शादी है। माशाल्लाह से वेदर देखें कितना अच्छा हो गया, बारिश हो गई, ताबड़तोड़ स्टार्ट होने लगी है। आज का व्लॉग जो है ना बड़ा ज़बरदस्त व्लॉग होने वाला है इंशाल्लाह। आज की वीडियो में जो हमारा एक्सटेंशन जो चल रही थी थिएटर की, हमने देखा होगा पिछले वीडियो में जो थोड़ा थोड़ा हमने चेंज किया था, मैंने आपसे कहा था कि अभी और एक्सटेंशन डालनी है, तो उसमें जो है ना थिएटर की वॉल जो है जो रह गई थी हमारी, उसको पूरा हम वॉलपेपर लगाएंगे। वॉलपेपर कितने लगाएंगे ताकि जो मैं टैग किया कोई भी वीडियो बनाता हूँ ताकि उसके लिए मुझे ज़्यादा एरिया मिल जाए वीडियो की लोकेशन को सेट करने के लिए। तो अभी जाएंगे बनिंग से जाके जो है ना वॉलपेपर देखेंगे, उसके साथ के उसके मैच का, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, उसको मैं क्या क्या चीज़ें डलेंगी, उस सब मैं आपको बताऊँगा इस व्लॉग में, ताकि अगर आप ये पेपर लगाना चाहें तो ये इट्स DIY, डू इट बाई योर सेल्फ, आप आराम से इसको कर सकते हैं, आप अपना पैसा भी सेव कर सकते हैं। तो फिर हम चलते हैं और आपको मिलते हैं बनिंग में। लेकिन जाने से पहले अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, आज का व्लॉग पसंद आ जाए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। चले लेंगे तीन रोल, इस तरह के रोल होंगे, हमें आपको अपनी वॉल की मेजरमेंट के हिसाब से लेना होगा, तो मैं तीन वो लेता हूँ। इसके अलावा एक ये ट्रे का फुल पैक ले लेंगे, इसके अंदर ये हमारा ग्लू भी है और ये रोलर वगैरह भी है, तो एक ये आ जाएगा हमारा। लेडीज़ तो वैसे ही बेचारी बदनाम है ना कि बाजार जाती है लेना कुछ हो तो साथ साथ कुछ और भी लेती हैं, जेंट्स का भी यही हाल है, लेने सिर्फ वो पेपर आए थे या वॉल पेपर और साथ देखे ये। खैर से मैंने तो ली नहीं साथ में, भाई कोई पसंद आ गई, भाई ने भी जो है ना कि वार्डरोब ले ली। चले इसकी भी असम्बलिंग आपको दिखाएंगे और इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैंने कहा था कि बारिश होने वाली है और बारिश में ताबड़ तोड़ शुरू हो गई थी, बड़ी मुश्किल से ना जल्दी जल्दी हमने इसको रखा ताकि गीले ना हो जाए। अब बस घर जाएंगे, पहले जाके जो है ना वॉलपेपर का काम करेंगे, उसके बाद जो है ना इसकी सेकंड वीडियो आएगी। पहले तो जाके थोड़ा सा रिलैक्स होना है, पाकिस्तानी कमिश्नर पहननी है, चाय पीनी है, उसके बाद जो है ना काम शुरू करना ताकि चिल माहौल में काम किया जाए। आ जाएंगे इसको ओपन करते हैं और हमने स्टार्ट लेना है इस वॉल से, क्योंकि इसके जो है ना हमने मैच करना है डिज़ाइन को, और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पूरा जो है ना उस साइड पर हम पेपर को लेके जाएंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन टू डिज़ाइन मैच होगा, कॉर्नर टू कॉर्नर मैच होंगे, और ये जो इसका आप देखें ये डिज़ाइन आ रहा है जो कि आपने मेरी पिछली पहले वीडियो में भी देख लिया होगा। तो अब हमने इसको डिज़ाइन टू डिज़ाइन मैच करना है, जो एक्स्ट्रा होगा हम उसको कट करते जाएंगे। अब ये देखें ग्लू को जो है ना इस बार पेस्ट करेंगे हम वॉल पर। ये देखें इसकी जो मेन चीज़ है ना जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो ये मैचिंग का है। आप ये देखेंगे बिल्कुल कॉर्नर जो है ना एज इट इज़ हमने इसके साथ डिज़ाइन का मैच करना है।
टी ब्रेक चल रही है जी साथ में निम्को के साथ, हाफ बॉल हो गई है, आप देखें कितनी माशाल्लाह से खूबसूरत लग रही है, एक जो है ना बॉल की ग्रेस निकल आई है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको बॉल कैसी लगी और सो फार जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है स्टूडियो का वो आपको कैसा लगा। माशाल्लाह से लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है मेरे वर्क को और बहुत अच्छे अच्छे कॉमेंट्स भी मिले हैं मेरे जो यूट्यूब स्टूडियो का छापा पड़ा था सडनली उस वीडियो पर। तो इसी तरह से अपने जो है प्यार देते रहें, इसी तरह से कमेंट अच्छे अच्छे करते रहें, उससे देखकर थोड़ी मोटिवेशन आती है, थोड़ा सा अच्छा लगता है बंदा, उसमें एनर्जी आती है और काम करने का दिल करता है और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का दिल करता है। चले अब ये चाय बस ख़त्म होने वाली है, फिर आप दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। फाइनल पैच रह गया, बस अब ये इंशाल्लाह ये पैच लग जाए उसके बाद आपको दिखाते हैं पूरा विजिट कराएंगे। अभी ज़रा उसको थोड़ा सा छुपा के रखना, सरप्राइज़ है, फिर बताइएगा क्या आपको कैसी लगा पूरा वॉलपेपर और रूम कैसा लग रहा है। सब कुछ कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोजेक्ट तकरीबन पूरा एक दिन लगा हमें और रात तकरीबन 9 बजे हम फ्री हुए थे, इसलिए बहुत थक गए थे तो थोड़ी सी टचें वगैरह आई थी वो अब उसको कंप्लीट की है। इतना टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है इसको लगाना, इजीली लग जाता है, बस ये है कि उसके लिए आपके पास प्रॉपर इक्विपमेंट हो और आपको मिनिमम भी जो है ना 2 लोगों की ज़रूरत होती है तो फिर आप ये प्रोजेक्ट ईजिली जो है ना ये वॉल पे प्रोजेक्ट कम्प्लीट कर सकते हैं। स्पेशल थैंक्स टू माई बिग ब्रदर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की है मेरे इस प्रोजेक्ट में और काइंडली ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी वॉल सो फार, आपको जो मेरा ये स्टूडियो कैसा लगा है। अभी थोड़ा सा और काम रह गया, वो दूसरा प्रोजेक्ट है थिएटर का, वो भी इंशाल्लाह कम्प्लीट करेंगे, उसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना प्यार इसी तरह देते रहें, अपना साथ इसी तरह रखें, अपने इस चैनल को इसी तरह मदद करें ग्रो करने में, खुश रहें, खुश रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।